गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुदर्शन कुमार, फिजिक्स टीचर, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ग्राफ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं कि आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, एक वाई एक्सिस है और एक आपके पास एक्स एक्सिस है। अब आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे है वो आपको रिप्रेजेंट किया गया है वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के ऊपर है उस पे रिप्रेजेंट किया गया है टाइम। अब हम देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब ऑब्जेक्ट की एक सेकंड के बाद अगर हम देखें कि वन सेकंड के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी सेम है, 3 सेकंड के ऊपर भी उसकी वेलोसिटी सेम है, और 4 सेकंड के ऊपर उसकी वेलोसिटी सेम है। हर कंडीशन की वेलोसिटी सेम है। सो ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्राफ आया है। अब हम आगे देखेंगे कि ये आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये क्या बताता है, व्हाट टेल्स अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया दिए हुए टाइम इंटरवल के ऊपर। तो आगे हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। अब हम इस ग्राफ के अंदर देखेंगे कि हम अगर एरिया निकाल दें, अगर जो दिया हुआ रेक्टेंगल आपके पास, इसमें एक आपके पास SPQR एक रेक्टेंगल बन रही है, SPQR एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS निकालेंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास PS और SR, यहाँ पे देखें आप PS ये आपके पास PS है, ये ब्रेथ है, और SR ये आपकी क्या है, लेंथ है। तो हमने यहाँ पे देखा कि PS इंटू में SR। अब PS की वैल्यू कितनी है, आप देख पा रहे हैं जो PS की वैल्यू है ये आपके पास 20 है, PS की वैल्यू है वो आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे 20 मीटर पर सेकंड, और SR की वैल्यू जो है, देखें आप SR की जो वैल्यू दी हुई है वो है यहाँ से SR की S2R, ये है आपकी 4 सेकंड। सो अब हम देखेंगे कि 20 मीटर PS की वैल्यू थी और 4 आपके पास SR की वैल्यू थी, तो सो मल्टीप्लाई दीज, हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 80 मीटर आएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट है इनिशियली वो रेस्ट पे होगा। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारे पास एक, हम देखते हैं कि हमने एक टेबल मेजर की और हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, एक्सेलेरेशन था, वो 2 मीटर पर सेकंड हमने मान लिया। अब हमने मेजरमेंट किया टाइम और वेलोसिटी का एक छोटा सा ग्राफ, ग्राफ मेजरमेंट करने के लिए हमने एक टेबल बनाई, एक साइड में हमने टाइम लिया, एक साइड में हमने ले लिया इसको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। मान लेते हैं 0 टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी 0 थी, 0 टाइम पे वेलोसिटी 0, और 1 है हमारे पास, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो 2 मीटर पर सेकंड थी, 1 के ऊपर हमने 2 मेजरमेंट कर लिया, हमारे पास इस तरह का एक वैल्यू आएगी, इस तरह से हम देख पाएंगे इस तरह से, ठीक। उसके बाद 2 की बात करेंगे, 2 पे हमारे पास 4,
थ्री पे हमारे पास सिक्स और फोर पे एट और फाइव पे टेन और सिक्स पे ट्वेल्व, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मेजर हो रही है जो कि एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और इनिशियल में आप देख पा रहे हैं, इसमें इनिशियल जो है हमारे पास रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इनिशियल में ऑब्जेक्ट जीरो पॉइंट से शुरू हुआ था जब टाइम जीरो था और हमारे पास वेलोसिटी भी जीरो थी, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हमें निकालना है यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया। द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट, हमने ये कैलकुलेट करना है इसका कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी है ओ ए बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई ओ ए, ये ओ ओ ए और बी, ये एक ट्राइंगल बनी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की डिस्टेंस निकालनी है तो उसका एरिया मेजरमेंट कर लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर। तो इसमें जो हमारे पास जो एरिया होगा वो ये आएगा, ये पूरा एरिया जो एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का बन रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, तो एरिया हमारे पास ओ ए ओ ट्राइंगल ओ ए बी का निकालना है। तो इसका जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हम देख पाएंगे हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना, बेस की जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास दे रखी है सिक्स सेकेंड, तो हम इसको ले लेंगे सिक्स सेकेंड। और हमारे पास जो हाइट होगी वो यहाँ पे जीरो से लेके ट्वेल्व तक है, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी ट्वेल्व। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो हम आंसर आएगा 36 मीटर। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन इनिशियली द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऊपर था, तो हमारे पास हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इसका 36 मीटर। सो बच्चे, सो स्टूडेंट, आप इस प्रकार से काफ़ी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो रिलेटेड टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। आपके बहुत से न्यूमेरिकल आएंगे जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा है कि आप अपना घर के ऊपर होमवर्क कम्प्लीटली कर रहे होंगे, और बेटा इसको ध्यान से आप करते रहें। और बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आपकी फिजिक्स की बुक्स के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।